वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज दादुरिन। आज मैं इस वीडियो में आपको वैद्यनाथ कंपनी की दादुरिन के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे रिलेटेड सभी जानकारियां आपको दूंगी। ये कौन से डिजीज़ में यूज़फुल है, इसे कैसे लगाना है और इसकी प्राइस क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, ये सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके और आप हमारे साथ जुड़े रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो दैट इज़ कॉल्ड दादुरिन। ये देखिए, सबसे पहले मैं दादुरिन की पैकिंग आपको दिखा देती हूँ। ये छोटे से इस तरह के छोटे से डिब्बी में आती है। ये लिखी हुई है वैद्यनाथ दादुरिन, आप देख सकते हैं ये वैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाई गई है दादुरिन। और इसे अगर आप खोलेंगे तो इस तरह की आपको अंदर से जो है एक छोटी सी जो डिब्बी मिलेगी। और ये जो है बिल्कुल आई, जिस तरह की आई टॉनिक वगैरह आती है या नेज़ल ड्रॉप आता है, उस तरह का ये जो है ड्रॉपिंग सिस्टम का ये डाला हुआ है। इसमें दवाई जो है पैकिंग की गई है तो इसे आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये मेनली जो है दांत खाज के लिए बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है ये कितने भी पुराने से पुरानी दांत को ये ख़त्म कर देती है, या तो नई है, कैसी भी तरह की दांत हो, उस तरह के दांत में जो है ये बहुत अच्छे से जो है वर्क करती है और अपना असर दिखाती है। दांत क्या होते हैं कि दांत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर में होते हैं, यानी कि चमड़े के भीतर से रहते हैं। तो उन अंदरूनी जो मतलब कीड़े होते हैं, अगर हम इस मेडिसिन को जब यूज़ करते हैं वो बाहर तक ही स्किन पे नहीं रहते हैं बल्कि अंदर तक जाके पूरे अच्छा से काम करते हैं और उन कीड़ों को जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए जो है दादुरिन जो है, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कपड़ों में आपकी किसी भी तरह का जो है दाग नहीं लगने देता है। अगर लगाते वक्त अगर आपके किसी भी कपड़े में दादुरिन जो है वो उसमें थोड़ी सी गिर जाती है तो किसी भी तरह का दाग जो है आपके कपड़े में नहीं लगता है। और इसे जो है कोई भी मतलब किसी भी एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं, जिनको दाद की समस्या हो, पुराने से पुरानी दांत हो उस पर भी लगा सकते हैं, रिसेंटली अगर आपको दांत की प्रॉब्लम फील हो रही हो तो उसे भी आप लगा सकते हैं। एक्चुअली दांत जो है बहुत कष्टदायक एक डिजीज़ है, यानी कि ये जो है आपको ऐसी फीलिंग देती है जिसमें आपको कंटिन्यूसली खुजाने का मन करता है। जिस एरिया में आपको दांत होती है उस फंगस के कारण क्या होता है कि आपको आप में जो है वो सब्र नहीं होता कि नहीं मैं थोड़ी देर बाद खुजाऊंगी, ऐसा नहीं है। जब आपको फील होगा तो कंटिन्यूसली लोग जो है खुजाते रह जाते हैं, चाहे वो किसी के भी सामने हो, मेहमानों के सामने हो, कहीं भी हो, जो कि बहुत इरिटेशन पैदा करती है। और जो है खुजाते खुजाते कई बार तो स्किन ड्राई हो जाती है, लाल हो जाते हैं, फट जाते हैं, बहुत बार तो खून बाहर आ जाती है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, उतनी खुजाहट नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है, उस सिचुएशन से पहले ही आप इस दादुरिन को लगाएं, इससे जो है आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि इसे लगाना कैसे है। अगर जो है आपकी दाद न्यूली है, यानी कि नई दाद है, बहुत पुरानी नहीं है, तो आप इस ढक्कन को खोल करके इसमें से जो है एक रुई के फोहे ले ले, यानी कि कॉटन बॉल ले ले, और उसमें जो है चार पांच बूंदे डालें, और जिस एरिया में आपको दाद है उस रुई के फोहे से आप जो है उस दाद वाले एरिया में डैब डैब करके लगा लें। तो इससे जो है आपको दवाई जो है पूरी तरह से आपके स्किन के अंदर चली जाएगी और स्किन के फंगी को जो है फंगी बैक्टीरिया को जो है वो ख़त्म कर देगी और पूरा वर्क करेगी। ऐसा आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। और अगर आपकी दांत बहुत पुरानी है, यानी कि बहुत दिनों से आप इस समस्या को झेल रहे हैं, उस कंडीशन में भी प्रोसेस सेम रहेगा, वही रुई के फोहे में ही आपको डाल के लगाना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, उस कंडीशन में आप जो है बहुत ज़्यादा खुजलाहट करने के तुरंत बाद जो है मतलब एकदम इरिटेशन हो रही है, उस समय तुरंत आप इस दवाई को नहीं लगाएं, वरना असहनीय जलन होगा जो आप जलन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जो है आपको लगेगा कि दोबारा इस दवाई को मैं यूज़ ना करूं। तो जब खुजलाहट आप करते हैं उसके तुरंत बाद जो है दवाई को यूज़ ना करें, बाकी सेम प्रोसेस होगा। और 3 से 4 जब आप 3 दिन कंटिन्यू लगा लें तो 1 दिन बीच में आप गैपिंग छोड़ दें, ये भी इसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस है और गुड रिजल्ट पाने के लिए।
तो जो पुराने लोग यूज़ करेंगे वो 2-3 दिन जो है लगाने के बाद दवाई को बीच में 1 दिन गैपिंग कर दे और फिर दोबारा से शुरू करें, और 2 से 3 बार वो भी लगाएंगे दवाई को, जिससे कि पूरा पूरी रिजल्ट उनको मिल सके। और इसमें जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो है सैलिसाइलिक एसिड और बेनोजिक एसिड इसमें डाला गया है, और कुछ मात्रा में अल्कोहल इसमें डाला गया है। तो ये जो है जर्म्स को जो है या तो रिंग वॉर्म जिसे कहते हैं, जैसे कि गोल घेरे बन जाते हैं, बहुत बार दाद जो है एकदम घेरों में होती है, बहुत बार घेरों में नहीं होती है, तो वो जो गोल गोल रिंग वॉर्म होते हैं वो जो है बहुत जड़ से अंदर तक रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को मारने में ये जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं वो बहुत अच्छा काम करती है, और वो अंदर से जो है उसे मतलब ख़त्म करती है। तो इसे अपने परिस्थिति के अनुसार 1 से 3 बार लगाया जा सकता है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम है तो आप 1 बार यूज़ करें, अगर बहुत प्रॉब्लम है तब 3 बार करें, वरना 2 बार भी आप कर सकते हैं। ये तो आपको अपने ऊपर डिपेंड करती है कि कैसी आपकी प्रॉब्लम है, कितनी मात्रा में है। तो ये और एक बात मैं अपनी तरफ से प्रिकॉशन आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को डाल करके आप ना लगाएं, 3 से 4 बूंदें जो हैं वो काफ़ी है आपके 1 टाइम डोज़ के लिए लगाने के लिए। तो ज़्यादा आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, इससे बहुत ज़्यादा यूज़ करने से आपको दूसरी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, आपकी स्किन में इरीटेशन, जलन, किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप इसे लिमिटेड क्वांटिटी पे लगाएं, और आपको वर्क जैसा मैंने बताया उस हिसाब से लगाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, यानी कि स्किन के ऊपर लगाने के लिए है, किसी भी कंडीशन में इसे आप खाए नहीं या अपने बच्चों से दूर रखें ताकि वो ना खा ले, क्योंकि ये एक पॉइजन है, क्योंकि ये बैक्टीरिया और फंगी को मारने की जब इसमें क्षमता है तो ये एक पॉइजन है। तो आप कोशिश करें कि बच्चों से दूर रखें, और ख़ुद भी जो है ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, किसी भी तरह का इंटरनल यूज़ इसमें ना करें, या तो अपने जो है इसे खाने से बचे या बच्चों के हाथ से दूर रखें। तो ये थी इसकी सावधानियाँ। अब मैं इसकी प्राइस की बात कर लेती हूँ। ये देखिए इसकी जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है, यानी कि 25 रुपये इसकी MRP है। आप देख सकते हैं आज की डेट की इसकी MRP 25 रुपये है, और ये जो है हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, और वरना किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान में आपको ये मिल जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि ये दाद के लिए बहुत एक प्रचलित मेडिसिन है, जो कि आपको बहुत आसानी से आपके लोकेलिटी में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। होप मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले, ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और तब तक के लिए मैं और भी आगे बहुत सारे रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, बाय।